अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का दावा है कि अब रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जीत में रूस का हाथ है। CIA के दावे के बाद अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। CIA ने कहा है कि ट्रंप की मदद करने के लिए रूस ने चुनावों में हस्तक्षेप किया था। रूस की मदद से न सिर्फ ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे बल्कि इलेक्टोरल सिस्टम में भी भरोसा बना रहा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन लोगों की पहचान कर ली है जो रूस के सरकार के साथ चुनावों के समय संपर्क में थे। इन लोगों ने रूस की सरकार को हजारों हैक्ड ईमेल मुहैया कराए थे। यह सभी ईमेल डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और दूसरे लोगों से जुड़े थे जिनमें हिलेरी क्लिंटन भी शामिल थी। ईमेल को विकीलीक्स को मुहैया कराया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका में चुनावों के पहले अक्सर इस बारे में खबरें आती थी कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ईमेल विकीलीक्स के जरिए लीक हो गए हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से अक्टूबर माह में सार्वजनिक तौर पर रूस की सरकार पर चुनावों के समय साइबर अटैक की हमले की साजिश का आरोप लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने से पहले जितनी चर्चा में थे खत्म होने के बाद उससे भी कहीं ज्यादा चर्चा में है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। देखते रहिए DB Live।